हाय फ्रेंड्स, सो दिस इज़ योर वरुण ठाकुर एंड आज हम आपको ले जाएंगे हमरिया ड्राई डॉक में। ठीक है, तो आज हमारा जहाज ड्राई डॉकिंग के लिए आने वाला है एंड आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, जहाज कैसे पानी के बाहर निकलता है एंड ड्राई डॉक पे चढ़ाते हैं उसको एंड अंडर कील जो जहाज का हिस्सा जो पानी में डूबा रहता है उसकी रिपेयरिंग कैसे होती है, रिपेयरिंग के लिए उसको पानी से बाहर निकाला जाता है। सो आपको हर चीज़ दिखाएंगे, स्टे विद मी। एंड वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जहाज ब्लॉक्स पे है, वुडन ब्लॉक्स पे है, उसे उठाया हुआ है, उसे अंदर अंदर ला रहे हैं। एंड दैट इज ये पटरियों की तरह होते हैं, दो दो पटरियां होती हैं जिसके ऊपर ब्लॉक्स होते हैं, और उसे फिर जहाज जहाज पानी में उसके ऊपर आता है एंड फिर उसे खींच के किनारे पर लाते हैं। देख सकते हैं, अब इसको शिफ्ट किया गया है साइड में जहाज को, और अब इसे पीछे यार्ड में ले जा रहे हैं जहाँ रिपेयरिंग टीम ऑलरेडी स्टैंड बाय है, क्रेन स्टैंड बाय है, जहाँ पे इसकी रिपेयरिंग होगी, जो भी काम करवाना है इस पे। आप देख सकते हैं बाजू में और भी जहाज हैं जो पानी के बाहर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे सप्लाई वेसल हैं साइड्स में, और अब काम पूरा हो गया हमारा और इसे बाहर निकाल रहे हैं। अभी देखिए, अभी ये ड्राई डॉक के बाहर निकल रहा है जहाज एंड काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। एंड शिफ्ट किया गया है इसे जहाँ पे इसे पानी में लोअर किया जाएगा, उतारा जाएगा। ये अभी उस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, उस जेटी पे जा रहा है जहाँ जाएगा ये, और इसे लोअर किया जाएगा और ये पानी में, देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है पानी में एंड धीरे धीरे ये पानी पे तैरने लगेगा। अब टग बोट्स आएंगी और इसे धीरे धीरे खींच के बाहर निकालेंगे। देखिए बाहर निकल रहा है अभी एंड काफ़ी हिल रहा है जहाज बिकॉज ये फ्लोट कर रहा है अभी। टग बोट आ चुकी हैं एंड टग बोट्स को जहाज के साथ बांध रहे हैं ताकि वो इसे खींच के बाहर निकाल सकें। तो देख सकते हैं काफ़ी